व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज की डेट में ऐसे इंसान आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएंगे जो कि नारियल पानी वगैरह बेचते हुए अपनी रेडी पर मिल रहे हैं या फिर कहीं पर पर्टिकुलर जगह पर बैठे हुए मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक चाहे कोई भी ले ले आप लोग, उसको जरा सी देर में खरीदेंगे और पियेंगे और वहां पर कोई बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे। पर लेकिन जब भी कहीं पर ऐसा इंसान मिलेगा, हम लोग उससे बार्गेनिंग करने लगते हैं। वही कोल्ड ड्रिंक इतने ही पैसे की वो कोल्ड ड्रिंक मिल रही है जो कि हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है, और दूसरी साइड में वही अगर हम ये नारियल पानी पीते हैं हमारे शरीर को कितना फायदा पहुंचाता है, आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पर लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है एक ब्रांड का नाम लेकर, हम लोग क्या करते हैं उसको शौक से पीते हैं और अपनी शान से पीते हैं, दिखाते हैं लोगों की हाँ हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पर लेकिन वहीं पर जब नारियल पानी की बात आती है तो हम लोग जाकर बार्गेनिंग करते हैं कि हाँ इतने का थोड़ी ना होगा ये। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन मैंने भी अपने आसपास देखी है। तो कोशिश ये कीजिए, पहले तो आप लोग ये देखें कि आपकी सेहत को क्या नुकसान पहुंचा रहा है और क्या फायदा पहुंचा रहा है, और फिर कम से कम ये तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हैं। अगर कंपेरेटिवली आप लोग देखेंगे उतनी ही कोल्ड ड्रिंक और उतना ही नारियल पानी अगर आप लोग पीते हैं तो आपकी बॉडी को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा ये नारियल पानी, तो यहां पर मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई बार्गेनिंग करनी चाहिए। और दूसरी बात, इस तरीके का अगर आप लोग पी रहे हैं ये नारियल पानी वगैरह, ये किसानों के पास पैसा जाता है और हमारे ही कंट्री में पैसा रहता है, और ऊपर से अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब आप लोग पीते हैं दूसरी कंट्री में पैसा जाता है, तो सोचिए जरा सा बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या सही है और क्या गलत है। अपना थोड़ा दिमाग लगाकर कुछ काम किया कीजिए, जो भी किया कीजिए। ऐसे नहीं है कि बस हाँ बार्गेनिंग करनी है किसी भी इंसान के साथ में खड़ा होकर। ये आप लोग थोड़ा सा अगर इस पर फोकस देंगे तो बहुत से आदमियों को बहुत फायदा रहेगा और सहूलियत रहेगी ये काम करने में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। ओके, आज है 28th मई और आज आप लोगों को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारा शानदार करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारा पोर्शन हम लोग मिला के इसको पूरे को बोलते हैं नैनो मैगजीन, ठीक है। तो इसमें PIB रहता है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर की क्लिप्स रहती है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है। फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, काफी शानदार आर्टिकल है। यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट क्रूड ऑयल कार्गो फ्रॉम UAE। आखिर क्या है ये, देखिए आज की डेट में आप लोग जानते हैं कि जिस कंट्री से हम लोग ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग खरीदते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा एक ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आएगी कि अलग अलग तरीके की वहां पर सिचुएशन है। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में लड़ रही है, कहीं ISI वाली प्रॉब्लम चल रही है, कहीं टेररिस्ट वाली एक्टिविटी चल रही है। तो जिस तरीके से जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्री है, आप लोग एक बार मैप में देखेंगे तो समझ पाएंगे किस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। ये आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारा इंडिया हो गया, यहां से ये हो गया UAE, तो UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहां से आप लोग देखते हैं इराक हो गया, जहां से हम लोग काफी अपना ऑयल परचेज करते हैं। तो ये कंट्री काफी यहां पर प्रॉब्लम रहती है हर टाइम। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा यहां से तेल खरीदा जाए और उसको अपनी कंट्री में इकट्ठा करके रखा जाए, क्योंकि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर मान लीजिए 8-10 दिन या एक हफ्ते की कोई प्रॉब्लम यहां पर है, तब तक अगर हम लोग तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह न खरीद सके, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल हम लोग यहां से न खरीद सके, तो हमारी कंट्री में ही इतना ज्यादा अवेलेबल रहे ताकि जब तक यहां पर सिचुएशन कोई खराब हो गई है, अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशन बन गई है, वो तब तक यहां सुधर जाए जब तक हम लोग अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंड रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए कई सारा आप लोग रिजर्व बोल सकते हैं। इसलिए जैसे कहते नहीं है कि कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए कि जब हालत खराब होती है तब काम आता है, तो उसी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसका नाम रखा गया है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब पेट्रोल रिजर्व किया जाएगा यहां पर अलग अलग एरिया में। तो यहां पर जो कोशिश की जा रही है, ये तीन जगह पेट्रोल जो ये मैंने आप लोगों को बताया, ये रिजर्व बनाने की कोशिश, SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की कोशिश तीन जगह की जा रही है हमारी कंट्री में। एक तो है मैंगलोर आप लोग यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दो जगह और है यहाँ पर, एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और एक है यहाँ पर पाडूर केरला। ये आप लोग देखते हैं नीचे आप लोगों के सामने है यहाँ पर। तो तीन ऐसी जगह हैं और तीनों ही एरिया आप लोगों को ये कोस्टल एरिया नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, कर्नाटका देख सकते हैं और केरला देख सकते हैं, तीनों ही कोस्टल एरिया नजर आएंगे। और जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है यहाँ पर ये केरला की है, दूसरे नंबर पे आप लोगों के सामने है मैंगलोर जो कि कर्नाटका है, और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो ये इतनी ज्यादा कैपेसिटी, मतलब 1.33 मिलियन टन यहाँ पर है, 1.5 मिलियन टन यहाँ पर है, और यहाँ पर 2.5 ट्रिलियन है यहाँ पर केरला में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है किसमें, केरला में, दूसरे नंबर पर कर्नाटका में, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। तो क्या नजर आएगा आप लोगों को, तो सब सीधी सीधी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि कितना ज्यादा हम लोग रिजर्व कर सकते हैं अपनी कंट्री में। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है दूसरी कंट्री से हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो अपना हमारी कंट्री में कम से कम इतना अवेलेबल होना चाहिए। तो काफी अच्छा आप लोग इसे एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसा सोच के चल रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है कि यहाँ पर ज्यादा बनती नहीं है किसी लोगों की, आपस में लड़ते रहते हैं। ईरान देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया देख सकते हैं, अभी USA ने सैंक्शन लगा दिए, वो वाली कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री के जो है यहाँ पर इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, यह ISPR
ऑयल, ये है हमारी कंट्री की कंपनी और दूसरी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये दोनों मिलकर इस पे काम कर रही है। तो अभी यहां पर फर्स्ट कंसाइनमेंट जो कि 2 मिलियन बैरल अभी क्रूड ऑयल यूनाइटेड अरब एमिरेट से हमारी कंट्री में ये आ रहा है और यहां पर ये वेस्ट कोस्ट जो कर्नाटका में आप लोगों को मैंगलुरु में देखने को मिलेगा, यहां पर इसको रिजर्व किया जाना है। ठीक है, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा और ऐसे ही ऐसे सारा यहां पर फिल किया जाएगा जो भी है टोटल विशाखापत्तनम मैंगलोर और पेडोर, तो सब जगह यहां पर इसको रखा जाएगा। ये सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कम से कम 10 दिन तक अगर हम कहीं से कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं तो हम अपनी ही कंट्री में अपने ही ऊपर डिपेंडेंट रहे, किसी और के ऊपर डिपेंड हम लोग को न रहना पड़े, तो ये यहां पर इसलिए ये रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इसको देख सकते हैं, मैप भी थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ये तीन जगह है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल और एनर्जी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग काफी हद तक डिपेंड रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। लॉन्ड्रिंग का मतलब आप लोगों ने सुना होगा किस तरीके से हम लोग कपड़े को धुलकर उसको साफ कर देते हैं, ऐसे ही कुछ माना जाता है यहाँ पर मनी के बारे में, यानी कि पैसे के बारे में। अगर हम ब्लैक मनी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो मनी जो बचाई जाती है उसको हम लोग अगर अच्छी मनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलेगी कई सारी कंट्री में, पर लेकिन यहाँ पर टॉप जो 3 कंट्री है उसमें पाकिस्तान का नाम है, मतलब पाकिस्तान ऐसा काम बहुत ज्यादा करता है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकल कर आते हैं। सबसे टॉप पर यहाँ पर आप लोगों को ये कंट्री देखने को मिलेंगी, पाकिस्तान, नाइजीरिया और रसिया, 3 कंट्री टॉप मोस्ट कंट्री है यहाँ पर। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, जिसने ये बात बताई है, ये है यूनाइटेड किंगडम यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी जिसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और पाकिस्तान को टॉप 3 मोस्ट कंट्री में यहाँ पर बताया गया है। यूके की जो ये एजेंसी का नाम मैंने आप लोगों को बताया है, ये अंडर काम करती है गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट एजेंसी है। वो ये देखती है कि किस कंट्री से कितना कहाँ कौन कौन सी एरिया में क्या क्या पैसा जा रहा है, ब्लैक मनी जा रहा है, और किस तरीके से अपनी कंट्री पर अगर कोई इंपैक्ट ना पड़े उसको देखा जाए। ठीक है, तो फॉरेन करप्शन अगर किसी तरीके से होता है, कोई कंट्री से मनी आती है और फिर कन्वर्ट होकर वो दूसरे वे में वहां पर दूसरी कंट्री में जाती है, तो कैसे उसको बचाया जा सकता है। ओके, तो देखिए कहीं ना कहीं तो कोई तो तरीका होगा जिसको यहाँ पर ये किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी आज की डेट में आप लोग देखते हैं, मतलब कोई अगर बिल बनवा के लेके आते हैं तो ये इनवॉइसिंग में चेंज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड मिस इनवॉइसिंग यहाँ पर की गई है। मतलब जो भी बिल बना के लेके आए, मतलब माल कितने का लेके आते हैं, प्रोडक्ट कितने का लेके आते हैं, फिर उस पर चेंज कर देते हैं, तो उसके बेस पर यहाँ पर चेंज करके लेके जाते हैं जहाँ दिखता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से जो मिसवॉइसिंग की जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो कारोबार है या फिर आप लोग बोल सकते हैं काला धंधा है, ये पनप रहा है। और मैक्सिमम टॉप पर कंट्री आप लोग यहाँ पर थोड़ा पता रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है यहाँ पर, अगर देखिए अगर कोई कंट्री ऐसी कंट्री के साथ में ट्रेड भी करती है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री में भी ये काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है फिर। ठीक है, और हमारे लिए खतरनाक क्या है, यहाँ पर रसिया का नाम जो आ रखा है, क्योंकि रसिया से हम लोग काफी कुछ अपने डिफेंस इक्विपमेंट या फिर काफी कुछ प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, तो यहाँ पर रसिया का भी नाम है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बात की जा रही है ब्लैक पैंथर के बारे में, आप लोगों के सामने यहाँ पर पिक्चर भी आप लोग निहार सकते हैं यहाँ पर इसके ब्लैक पैंथर के बारे में। तो यहाँ पर अभी क्यों है न्यूज में, ये ब्लैक पैंथर नाम का एक यहाँ पर स्पेशलाइज ये यहाँ पर एंटी नक्सल कम्बैट फोर्स बनाई गई है, मतलब कुछ ऐसे एरिया है हमारे कंट्री में जहां पर जो नक्सल की एक्टिविटी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब नक्सलवादी बहुत ज्यादा आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं, तो किस तरीके से उनको टैकल किया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, काफी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे पैरामिलिट्री के जवान हमारे मारे जाते हैं, तो उसकी वजह से किस तरीके से उसको टैकल हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ को मिलेगी यहाँ पर ये स्पेशलाइज एंटी नक्सल कम्बैट फोर्स जिसका नाम रखा गया ब्लैक पैंथर। ठीक है ना, तो ये एक तरीका जानवर है आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो इसके नाम पर इसको रखा गया है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ये है, अगर बात करें यहाँ पर इसी के पैटर्न पर 2 स्टेट और हैं यहाँ पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसी पैटर्न में जो उन पर नाम दिया गया यहाँ पर वो बोलते हैं इसको ग्रेहाउंड्स। ठीक है ना, जो ब्लैक पैंथर यहाँ पर बोला है ग्रेहाउंड्स बोलते हैं ये, इस यहाँ पर ये आप लोगों के सामने ये कुत्ता है इसके नाम पर यहाँ पर है, जो कि काफी खतरनाक होता है, मतलब काम करते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी सोसाइटी में रहती है जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जाता है। तो कौन लोग आप लोग यहाँ पर इन फोर्सेज में देखने को मिलेंगे, जो एक्सपर्ट है, मतलब जो एक्सपर्ट है, अगर कोई जंगल की बात आती है, किसी फॉरेस्ट की बात आती है, जिनको नॉलेज है उनके बारे में, तो वो लोग आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी 2 स्टेट है, पहले एक ही स्टेट हुआ करता था 2014 से पहले, तो इसीलिए दोनों स्टेट से अगर कोई बात आती है तो ऐसी मिलीजुली आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कंट्री की, जो इंटरनल प्रॉब्लम रहेगी, एक्सटर्नल इनके साथ में हालांकि ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, मैक्सिमम आप लोग इंटरनल देखने को मिलेगा, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है तो फिर और ज्यादा ग्रेव कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन सब चीजों को, जो कि एंटी नक्सल, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आप लोगों, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन अगर चलाए जाने हैं नक्सल और माओइस्ट वाले एरिया में, तो ये सब प्रॉब्लम को यहाँ पर टैकल करने के लिए ये आप लोगों के सामने थोड़ा हल्का सा आप लोगों का आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट यहाँ पर स्कीम है मध्य प्रदेश की, बोला जा रहा है माई एमपी रोजगार पोर्टल। हालांकि अगर स्टेट का नाम आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम के अंदर ही एमपी यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है मध्य प्रदेश। तो ये अभी लॉन्च की गई है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, इनके द्वारा। ये क्या करेगी, जो यूथ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर स्किल है, कोई इंटरेस्ट है, कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिले कि हाँ कैपेबिलिटी है करने की, तो उनको इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी और इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर स्टेट के अंदर क्रिएट किया जाएगा ताकि आसानी से जो युवा है उनको आसानी से यहाँ पर इंप्लॉयमेंट मिल सके। मध्य प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट एंड इंप्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर इस तरीके की स्कीम यहाँ पर लाई गई है ताकि जो यूथ है, देखिए यूथ जो पावर होती है ना वो किसी कंट्री की सबसे शानदार पावर होती है। वेपनरी आप लोग देखोगे, न्यूक्लियर पावर, वो सब टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, पर लेकिन जो पावर यूथ में होती है वो सबसे ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि अगर यूथ यहाँ पर अच्छे से गाइड किया जाता है और यूथ को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करते हैं, तो जो शक्ति वहां से कंट्री को मिलेगी वो और किसी टेक्नोलॉजी, किसी सॉफ्टवेयर या किसी मिसाइल से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर यूथ को सही डायरेक्शन दे दी जाए तो ये सब चीजें फिर बहुत आसानी से अपने आप ही होती चली जाएंगी। तो यही कोशिश की जा रही है किस तरीके से यहाँ पर अच्छा सा प्रेफरेंस अपग्रेड करके अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सके और अच्छे से इंप्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो ये स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पुराने टाइम में और अब के टाइम में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है कनेक्टिविटी। पहले जो लोग हुआ करते थे, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इसके अलावा जो जाने के साधन थे वो भी ऐसे थे कि वहां पर कई बहुत सारा टाइम लग जाता था और पता नहीं पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कोई अच्छे रास्ते भी नहीं हुआ करते थे। तो आज की डेट में कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा आसान होती जा रही है, उसी की वजह से यहाँ पर जो इन्हेंसमेंट है, इंप्लॉयबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, ये सारी चीजें बढ़ती हुई जा रही हैं। ओके, और इंटरनेट या सोशल मीडिया आप लोग बोल सकते हैं जिसने, ये तो आज की डेट में एक क्लिक यानी कि एक सेकंड में आप लोग किसी से कहीं पर भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा ही किया जा रहा है हमारी कंट्री में, अरुणाचल प्रदेश को यहां पर फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट यहां पर कनेक्ट की जा रही है कंट्री के दूसरे एरिया के साथ में। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो जो स्टेट है, पर्टिकुलर एरिया है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया माना जाता है, नॉर्मली चाइना बोलता है कि ये हमारा पार्ट है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को कंट्री के दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए अभी कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट की गई है, ये है आप लोगों के सामने अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर अगर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा यहां पर सिक्योरिटी रहेगी, और ज्यादा इनहेंस कनेक्टिविटी होने के साथ साथ में यहाँ पर और ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया की अगर हमारी कंट्री के दूसरे एरिया से अलग अलग लेवल पर कनेक्टिविटी रहती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा दबाव और ज्यादा उसके ऊपर बढ़ता है। ठीक है, चाइना वैसे हालांकि हल्का पड़ चुका है इसके ऊपर, क्योंकि वो फालतू की बातें ज्यादा करते हैं, वो एक अलग बात है। तो अभी यहाँ पर उड़ान स्कीम हमारी कंट्री में चल रही है, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। तो किस तरीके से हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी, जिसको बोला गया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत कनेक्ट किया गया, उड़ान स्कीम जो स्टार्ट की गई थी ये अक्टूबर 2016 में स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में। और रीजनल एरिया में अगर छोटी छोटी हवाई पट्टी कहीं पर है तो उनको डेवलप करने की बात की गई थी, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी कोई भी हवाई पट्टी है उसको डेवलप करो, और डेवलप करने के बाद में वहां पर जो हवाई सर्विस है उसको स्टार्ट करो, क्योंकि अगर हम लोग जितना ज्यादा किसी फील्ड में घुसेंगे उतना ही ज्यादा वहां पर व्यापार होगा और उतना ही ज्यादा उसका जो प्राइस है वो डाउन आता चला जाएगा। मतलब कहने का यह है, अगर कोई चीज कम अवेलेबल है तो उसका प्राइस बढ़ता है, अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसका प्राइस घटता है। वही कॉन्सेप्ट लगा यहां पर कोशिश की जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश को भी कोलकाता, गुवाहाटी और इसके अलावा यह है पासीघाट, ये रूट यहां पर आने वाले टाइम में ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे यहां पर कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। तो अच्छी बात है अगर इस तरीके से बढ़ते और कनेक्टिविटी बनाते चले जाएंगे तो हमारी कंट्री और ज्यादा यूनाइट होती हुई यहां पर चली जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। SBI जिसको बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज की डेट में हमारी कंट्री का अगर बात करें गवर्नमेंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे बड़ा बैंक है। इसमें अगर लॉस होता है तो काफी खतरनाक बात निकल के आती है। NPA जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब अगर किसी को पैसा दे दिया वहां से ब्याज तो आने की दूर की बात है, वहां से मूल भी नहीं आता है, इसको बोल देते हैं हम लोग NPA। तो NPA की कंडीशन इतनी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, अब यहां पर लॉसेस देखने को मिले। हालांकि ये तो आशंका जताई जा रही थी कि लॉस होने वाला है, मतलब हानि होने वाली है, पर लेकिन इतनी ज्यादा होने वाली है ये नहीं सोचा गया था। तो क्वार्टर फोर में यहां पर अभी 7,718 करोड़ रुपए का यहां पर लॉस देखने को मिला, जो कि यहां पर काफी बड़ा है। और खासकर अगर स्टेट बैंक की बात आती है तो देखिए इस तरीके बैंक में तो कम से कम यहां पर प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है कंट्री का। तो यही है कि किस तरीके से सुधारा जा सकता है, हालांकि बहुत सारी स्टेप्स यहां पर उठाए जा रहे हैं, देखिए आगे किस तरीके से इस तरीके कंडीशन को हम लोग सुधारते हैं। ज्यादा डेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ हल्का सा आप लोगों के माइंड में आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या बातें हैं। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर हमारी कंट्री की ग्रोथ के बारे में। जब से नीति आयोग हमारी कंट्री में आया, आप लोगों को अलग अलग तरीके के यहाँ पर स्टेटमेंट नीति आयोग से निकल के आती हैं, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को एक देखने को मिलेगा, एनालिसिस बेस्ड स्टेटमेंट यहाँ पर होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बोल दिया गया है। तो नीति आयोग का बनाने का फंडा ही यही था कि हम लोग यहाँ पर एक तरीके का थिंक टैंक क्रिएट कर सके, मतलब सोचने समझने वाले आदमी क्रिएट कर सके जो सोचे समझे कि कंट्री में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और नीति आयोग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं चाइना में एक ऐसी एजेंसी है जिसके बेस पर हमारी कंट्री में ये नीति आयोग आया, ऐसा ही वहां पर एक फंडा चाइना में फॉलो किया जाता है। तो हमारी कंट्री में अभी नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है यहाँ पर है ये राजीव कुमार, इनके द्वारा बोला गया है कि 2022 तक आने वाले टाइम में हमारी जो इकोनॉमी है 9% पर सस्टेन होने वाली है। ठीक है, मतलब अच्छे खासे लेवल पर बढ़ने वाली है। और वैसे तो फास्ट टैग ग्रोइंग जो इकोनॉमी है उसका टैग हमको अभी मिल चुका है, तो आने वाले टाइम में ये और शानदार तरीके से बढ़ने वाली है। रीजन क्या दिया जा रहा है उसके पीछे, कोई तो रीजन होगा ना, कोई बात बोली जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसी बात बोल दी। तो उसके पीछे रीजन है, एक तो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट किया गया। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 से हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया, और अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड काफी न्यूज में, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो किस तरीके से और ज्यादा चीजों को सुधारा जा सकता है उसके ऊपर यहां पर फोकस दिया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ है अभी जो अभी 2017-18 में देखने को मिला ये 6.6% था, अभी जो फिस्कल ईयर अभी चल रहा है मतलब 2018-19 यहां पर 7.5% के लगभग यहां एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कंप्लीट ईयर में बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो आने वाले टाइम में काफी अच्छे से इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट बात और बोली गई यहाँ पर कि ये बेस्ट टाइम है हम अपनी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें। इसके ऊपर मैंने ग्रीन प्लेट होती है, कौन कौन सी प्लेट यूज की जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर की प्लेट हमारी कंट्री में यूज की जाती है अलग अलग व्हीकल के लिए। तो इसी तरीके से ग्रीन जो यहाँ पर ग्रीन प्लेट दी गई है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दी गई है, और आर्मी के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए क्या यूज करते हैं, वो भी सब मैंने डिस्कस किया है, आप लोग जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर ग्रीन व्हीकल के ऊपर हम लोग आज की डेट में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आज की डेट में हम लोग कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब यहां से अपना जो पैटर्न है इससे क्या फायदा होने वाला है, जो हमको जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री से, हम लोग जो क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो इतनी ज्यादा खतरे में रहती है उसको काफी यहां पर फायदा रहेगा, हम लोगों की डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री के ऊपर कम होगी और हम सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। तो उस डायरेक्शन में भी हम लोग बढ़ते हुएंगे और उससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में घुमा फिराकर हर एक चीज को कनेक्ट किया जा रहा है ग्रोथ के साथ में, तो ये काफी शानदार है, हमारी कंट्री की ग्रोथ और अच्छे लेवल पे बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर महिला कभी न्यूज में है और कोई फर्स्ट टाइम कोई ऐसा काम हो रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बात की जा रही है NYSE, ये है यहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लगभग 226 ईयर की हिस्ट्री में आज तक यहां पर कोई वुमेन इसकी चीफ नहीं बनी थी। तो फर्स्ट टाइम यहां पर ये वुमेन है, यहां पर ये है स्टेसी कनिंगम, ये यहां पर इसकी चीफ बनी है, फर्स्ट फीमेल चीफ। ठीक है, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। टॉम फार्ले जो कि यहां पर पहले थे, इनको यहां पर रिप्लेस किया गया है। तो आप लोग दोनों के नाम अगर याद रखें तो दोनों के नाम छोड़िए, पर इनका नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से इस तरीके की बातें पूछी जाती हैं कई बार। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये की जा रही है राफेल नडाल के बारे में। इन्होंने अभी जीत लिया है यहां पर इटालियन, ये आप लोगों के सामने है यहां पर, ये यहां पर इन्होंने इटालियन ओपन यहां पर जीता है, और यहां पर जो इटालियन ओपन जीता है देखिए सबसे बड़ी बात है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जीता है, यहां पर दो सेट, तो यहां पर 6-1, 1-6 और 6-3, मतलब काफी बड़े मार्जिन से दो सेट जीते हैं, हालांकि एक सेट हारे वो एक अलग बात है, पर लेकिन अच्छा खासा इन्होंने खेला। और ये इनका 8th टाइम, इनका ये जो रिकॉर्ड इन्होंने जीता है ये 8th टाइम है। ठीक है, तो इसीलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अलग बात क्या है इसके साथ में, ये आज की डेट में नंबर 1 की रैंकिंग पर चल रहे हैं। ओके, और फ्रेंच ओपन के तो बादशाह इनको कहा जाता है, उनके बारे में बोलना ही नहीं है क्योंकि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और क्ले कोर्ट के बादशाह इनको माना जाता है राफेल नडाल को। ओके, तो ये भी कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकता है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है नारी शक्ति पुरस्कार की। नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2018 में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है इंटरनेशनल वुमेन डे, पर लेकिन उस टाइम पर नहीं दिया गया। उस टाइम पर यहाँ पर बोल तो दिया था कि हाँ यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार देना है 2017 का, किसको देना है, INS त्रिणी को, मतलब जो ये वुमेन है, आप लोगों को पहले ही पता है कि ये 6 वुमेन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जहाज के थ्रू पूरी पृथ्वी का चक्कर काटा इन्होंने, यहां से ऐसे होते हुए निकली और पूरी पृथ्वी का ग्लोब का चक्कर काट के फिर वापसी यहां से अपने अपने
सॉरी अपनी कंट्री में गोवा में वापसी पहुंची। तो यहां पर जब यहां पर ये अवार्ड दिया गया 8 मार्च को, उस टाइम पर ये कंट्री में अवेलेबल नहीं थी, तो यहां पर इसीलिए अब इनको ये अवार्ड दिया गया है, जो कि INS तरानी पूरी पूरे वर्ल्ड का चक्कर काट कर आई है। और देखिए काफी बड़ी बात है ये, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटना एक तरीके से वुमेन इंपावरमेंट के साथ साथ में हमारी कंट्री का भी इंपावरमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। मतलब साथ ही साथ में जहां पर हमारी कंट्री में जो महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, वो भी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस फील्ड में भी आगे चीजें बढ़कर आई हैं। ओके, तो आज की डेट में कहीं ना कहीं ये ऐसी एक्टिविटी हमारी कंट्री में हो रही है कि जो भेदभाव यहां पर महिलाओं में और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 8 मार्च को नॉर्मली दिया जाना था ये, पर लेकिन 8 मार्च के टाइम ये अवेलेबल नहीं थी कंट्री में, क्योंकि ये अपनी ये जो समुद्र की यात्रा है उसमें थी, ठीक है। तो अब ये वापसी आई है यहां से पूरा सर्कमफ्रेंस का यहां का चक्कर लगा के, अब इनको ये प्रेजिडेंट यहां पर अवार्ड किया गया है, जो कि प्रेजिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, जो इस यहाँ पर जो ये 6 वुमेन थी, यहाँ पर जो इनकी हेड थी, ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर, ये है वर्तिका जोशी, ठीक है, नाम में भी जोशी है यहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो ये पूरा चक्कर काट के आई, और जो 2017 का नारी शक्ति पुरस्कार 2017 वो इन्हीं को दिया गया है। नॉर्मली इंटरनेशनल वुमेन डे पर 8 मार्च को ये दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये इकोनॉमी के बारे में बात की जाए, कंट्री में जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट होता है वो डिप हो गया है 22%। देखिए नॉर्मली हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं सोना, काफी ये सब चीजें जो आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में काफी मतलब प्यार किया जाता है, खासकर महिलाओं को आप लोग देखेंगे सोने के पीछे काफी ज्यादा मतलब हमारी कंट्री में डेडिकेटेड रहते हैं, खासकर ब्याह शादी में आप लोग इस तरीके एक्टिविटी देखते हैं कि काफी कुछ सोना खरीदा जाता है। पर लेकिन जो भी ये सोना होता है खरीद के तो लेके आ लिया जाता है, पर लेकिन क्या करते हैं, लाकर इसको घर में रख देते हैं अपने जो सेफ वगैरह होती है, जो संदूक वगैरह होते हैं उसमें बक्से में बंद करके। क्या होता है इससे वो एक तरीके से किसी काम का नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो ओनली सजावट की एक चीज बना दिया गया है। अगर हमारी इकोनॉमी में इस तरीके की एक्टिविटी चलती रहती है तो काफी नुकसान पहुंचाती है, और गवर्नमेंट कई बार ऐसी स्कीम्स लेकर आ चुकी है ताकि इसको कम किया जा सके। तो अभी इंपोर्ट तो साइड में रखिए, यहां पर एक्सपोर्ट जो भी यहां पर बनाई जाती है ज्वेलरी वगैरह ये सब चीजों का यहां पर एक्सपोर्ट डिप हो गया है, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है हमारी इकोनॉमी को। तो 22% इन अप्रैल में बोला जा रहा है यहां पर एक्सपोर्ट डिप हो गया, जो कि लगभग 2.6 बिलियन का है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो घटता है वो काफी नुकसान है, क्योंकि इंपोर्ट घटना चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे शानदार बात वो होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इकोनॉमी का थोड़ा अलग से सेक्शन बना दीजिए, कि इकोनॉमी के काफी क्वेश्चन आते हैं, खासकर अगर बैंकिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो देखता हूं उसके बारे में सोचता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। अभी मतलब एक दो चेंज यहां पर देखने को मिलेगा अभी, तो उसको देखते हैं थोड़ा आने वाले टाइम में, हल्का सा टाइम दीजिए मुझे, इकोनॉमी का सेक्शन अलग से देखेंगे, उसके ऊपर फोकस दे लिया करेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को और ज्यादा फायदा इससे देखने को मिले। बाकी का जो भी अगर आप लोग कोई भी सजेशन देते हैं तो आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए खुला है ये कमेंट बॉक्स, ताकि आप लोग सजेशन यहां पर दे सके किसी भी तरीके जहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस होती है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इंडिया का ग्रोथ यहां पर 2022 तक बोला जा रहा है नीति आयोग के द्वारा 9% से यहां पर आगे आने पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर SBI को आप लोगों को काफी लॉस देखने को मिला, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट की गई, जो कि देखने को मिलने वाली है आप लोगों को कोलकाता गुवाहाटी, और यह है पसीघाट, ठीक है। आगे बात की जा रही है यहां पर, ये है ब्लैक पैंथर के बारे में, जो कि नई छत्तीसगढ़ को अभी मिलने वाली है स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सल कम्बैट फोर्स। ओके, इसी तरीके के नेम पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिली है ग्रेहाउंड, ये है कहां पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश के द्वारा MyMP रोजगार पोर्टल स्टार्ट किया गया है, जो यूथ है उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रूड ऑयल कार्गो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, किस किस तरीके से यहाँ पर हम अपनी कंट्री में एक रिजर्व वायर बना रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम लोगों को 10 दिन तक कम से कम कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान टॉप 3 कंट्री में है, नाइजीरिया, रशिया और पाकिस्तान। ओके, नाम याद रख सकते हैं। आगे हम लोगों ने देखा यहाँ पर, यह है NYSE, जिसको बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 226 साल की एक किसी वुमेन को यहाँ पर चीफ बनाया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जाना राफेल नडाल के बारे में, इटालियन ओपन इन्होंने जीत लिया है। तो यहाँ पर इसके अलावा एक दो न्यूज हम लोगों ने और डिस्कस की है, यह है नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में, जो कि INS तरानी पे जो भी यहां पर महिलाएं थी, ये 6 आप लोग जानते हैं नेवी की यहां पर जवान थी, जिन्होंने यहां पर गई और इस तरीके से अपनी कंट्री में देख सकते हैं एक नाम रोशन किया, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार है वो लगभग 22% अप्रैल में डिप हो गया है, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट डिप होता है तो खुशी की बात होती है, पर लेकिन एक्सपोर्ट डिप होता है तो तब काफी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए चीजों को शेयर कर देखिए अगर आप लोगों को लगता है कुछ फायदा हो रहा है। इसके अलावा जो शाम को जो लेक्चर आता है करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, उसको जरूर सुना कीजिए, ताकि साथ ही साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।